अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फिरदौस और आपका बहुत बहुत स्वागत है कुक विद फिरदौस। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ गर्मा गर्म झटपट बन जाने वाले आलू प्याज के क्रिस्पी क्रंची पकौड़े। तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और टी टाइम में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेसिपी को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आने वाली कोई भी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। मैंने एक बॉल ले लिया जिसमें मैंने ऐड किए हैं 2 प्याज जो कि मैंने स्लाइड चॉप कर लिया था। बस दोस्तों अब इसमें ऐड कर दीजिए आप 2 आलू जिसको मैंने स्लाइड चॉप कर लिए हैं, और साथ ही में मैंने इसमें ऐड की है 2-3 हरी मिर्च जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 टीस्पून इसमें आप गरम मसाला ऐड कीजिए। 1 टीस्पून आप इसमें नमक ऐड कीजिए। 1 टीस्पून जीरा ऐड कीजिए दोस्तों, और 1 टेबल स्पून इसमें आप चाट का मसाला ऐड कीजिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप बेसन। तो अब आप इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया, और अब इसमें हल्का सा पानी डालते हुए इसका अच्छा सा एक थिक बैटर तैयार कर लीजिए पकौड़ों के लिए। ये पकौड़े बहुत शानदार बनते हैं। ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया है। मैंने गैस पर 1 पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया था, ऑयल मीडियम फ्लेम पर हमारा गर्म है। अब इसमें आप पकौड़े डालते जाइए और धीमी आंच पर इसको पकाइए। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम इसको फ्राई करेंगे दोस्तों आगे पीछे से। ये पकौड़े बहुत शानदार बनते हैं और क्रिस्पी और क्रंची भी बहुत होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ये कैसी बनी है। ये दोस्तों एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसको पलट दीजिए और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। माशाल्लाह दोस्तों गर्मा गर्म ये क्रिस्पी क्रंची पकौड़े हमारे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसे प्लेट में निकाल लीजिए और बाकी सारे भी इसी तरह से तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमने तैयार कर लिए हैं, बन गए हैं गर्मा गर्म आलू प्याज के क्रिस्पी क्रंची पकौड़े। तो दोस्तों एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।